हेलो माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय कोहली आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्निंग विद कोहली सर में। वीडियो की शुरुआत करूंगा मैं प्यारे से थैंक्स के साथ। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को विजिट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। आप इसी तरीके से लर्निंग अपनी करते रहिए, यहाँ से मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूँगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम वो नंबर जो हमारे रूल्स हैं, रोमन न्यूमरल्स के रूल्स हैं, उनको हम फॉलो करके हम डिजिट वाइज स्टार्ट करेंगे और सारे के सारे डिजिट्स को कवर करेंगे। और बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, बहुत ही बेसिक से मैं आपको यहाँ पे रूल्स को यूज़ करते हुए रिवाइज भी कराते रहूँगा। ओके, तो आप देखिए यहाँ पर अच्छे से वन डिजिट नंबर आपको देखिए, आपको पता है वन से लेके हमारा 9 तक वन डिजिट नंबर होता है। और इसकी एक जो रोमन न्यूमरल है, इसमें मैं बता दूँ आपको कि इसमें ज़ीरो के लिए कोई भी नोटेशन नहीं है, ठीक है ना। तो आप ज़ीरो को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो यहाँ पर स्पेसिफिकली। यहाँ पे देखिए हम स्टार्ट करेंगे वन डिजिट के नंबर 1 से लेके 9 तक। तो 1 से लेके 9 तक आपको पता है कोई सा भी नंबर आप देखेंगे सिंपली आप, ठीक है। ये हमारे क्या है, वन डिजिट के नंबर है। यहाँ से हम इतना ये बेसिकली नंबर्स को बनाने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, अलग दूसरे नंबर्स को अगर हमें बनाने हैं तब भी हम इसका यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए वन डिजिट के जो नंबर्स हैं हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं। वन को हम ऐसे लिख सकते हैं, अब देखिए फर्स्ट रूल यहाँ पे स्टार्ट हो गया। फर्स्ट रूल यानी कि रिपीटेशन अगर आ रहा है तो उसके सम से हम उसका नंबर को रिजल्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट रूल यूज़ हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए मैंने आपको बताया था ग्रेटर नंबर इज एट दी राइट साइड एंड स्मॉलर वन इज एट दी लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे माइनस होगा, बड़े वाले में से हम छोटे वाले नंबर को माइनस कर देंगे। तो बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे, बी, यानी कि 5 - 1 यानी कि 4। तो यहाँ पे ये 5 है, ठीक है। 6 यहाँ पे उसका जो दूसरा रूल था, ग्रेटर नंबर इज एट दी लेफ्ट एंड स्मॉलर नंबर इज एट राइट प्लेस, देन देयर विल बी एडिशन और हम ऐड कर देंगे दोनों को। तो ये 5 + 1 हो जाएगा 6, सेम 5 + 2 हो जाएगा 7, यहाँ पे 5 + 3 हो गया 8 और ये यहाँ पे 10 - 1। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे हमारा छोटा डिजिट मौजूद है, ठीक है ना। छोटा डिजिट लेफ्ट में है, इसका मतलब ये बड़े डिजिट में से माइनस होगा। तो ये 10 में से 1 माइनस करेंगे हम, यहाँ पे आ जाएगा 9। ओके, तो यहाँ पे देखिए टू डिजिट नंबर। अब टू डिजिट नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 10 से और ख़त्म होते हैं 99 पे। तो स्मॉलेस्ट जो टू डिजिट नंबर होगा वो हो जाएगा 10, जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, और जो मैक्सिमम नंबर है हमारा टू डिजिट का वो हो जाएगा 99। तो ये टू डिजिट के कुछ नंबर्स मैं यहाँ पे लूँगा, उनको करूँगा। कैसे करना है देखिए, बेसिक जो है वो सब डिजिट्स के लिए सेम है, ठीक है ना। चाहे वो टू डिजिट हो, थ्री डिजिट हो, फोर डिजिट हो, जो बेसिक है उसको आप एक बार ध्यान दीजिए, बाकी रूल्स का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, फिर बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे देखिए। तो फर्स्ट नंबर जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ टू डिजिट का, ले लेते हैं 50 से छोटा कोई, जैसे 38, ठीक है ना। 38 ले लिया मैंने। अब 38 को सबसे पहले, चाहे वो कोई सा भी डिजिट का नंबर हो, उसको सबसे पहले आपको करना है एक्सटेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट, ठीक है ना, एक्सपेंड कर देना है उसको, ठीक। ये है 30, तो 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 30 + 8 लिख सकता हूँ उसको। अब 30 कैसे आएगा, 30 आएगा मेरा एक्स एक्स एक्स, आपने पढ़ा था, ठीक है ना, कि एक जो सिंबल है उसको हम रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, वो भी केवल 3 बार, ठीक है ना। तो 30 में हमारे 3 times 10 रिपीट हो जाएगा, तो ये 30 हो गया। 8 को हम कैसे लिखते हैं, VIII। अभी 8 क्या है, 5 + 3, देखो 5 + 3, अभी प्लस हो रहा है, तो छोटा जो डिजिट है, छोटा जो न्यूमरल है, वो राइट साइड पे आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये तो खैर रिपीटेशन है, तो फर्स्ट रूल यहाँ पे लग गया, और ये आई थिंक फोर्थ और फिफ्थ रूल जो कंबाइन हुआ था उसमें से एक रूल है। यहाँ पे जब ग्रेटर नंबर आपका राइट साइड पे होता है और स्मॉलर नंबर लेफ्ट साइड पे होता है तो ये ऐड होता है, ठीक है ना। तो ये 5 6 7 8, ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। और नेक्स्ट नंबर जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ग्रेटर देन, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 69, ओके,
69 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब 69 को ब्रेक करेंगे हम इसके एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 60 प्लस 9, लिख सकता हूँ ओके। अब 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 60 को ब्रेक करिए 50 प्लस 10, ठीक है। और 9 को मैं लिख सकता हूँ व्हाट, 10 माइनस 1। अब इसको देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे 50 50 हमारे पास है L और 10 इज X, तो यहाँ पे देखिए ये ऑपरेशन हो रहा है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कब होता है, जब स्मॉलर लेफ्ट साइड पे आ जाएगा आपका यानी कि 1, और जो ग्रेटर है वो राइट साइड पे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 9 को ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको कंबाइन कर दो आप L X I X, तो ये क्या हो जाएगा 69, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं लेता हूँ 77, ठीक है ना 77। अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ पहले एक्सटेंडेड फॉर्म में 70 प्लस 7, ठीक है ना 70 प्लस 7। अब 70 को मैं क्या लिख सकता हूँ 50 प्लस 20, 50 प्लस 20 लिख सकता हूँ। और 7 को मैं लिख सकता हूँ 5 प्लस 2, लिख सकता हूँ। अब 50 प्लस 20, 50 को मैं लिख सकता हूँ L, 20 मेरा होता है X, X, 5 होता है B और 2 होता है I, तो ये हमारा हो जाएगा व्हाट 77। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप कोई सा भी नंबर हो उसको आप क्या करें ब्रेक करिए, अब एक्सटेंडेड फॉर्म में ब्रेक करिए, फिर उसके बाद हमें पता है कि हमारे पास 7 न्यूमरल्स हैं, तो उन 7 न्यूमरल्स की फॉर्म में हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसी ना किसी की फॉर्म में लाना पड़ेगा। या तो मैं उसको 50 की फॉर्म में ले आऊँ, या मैं उसको 10 प्लस 2 की फॉर्म में ले आऊँ, ठीक है ना, या मैं उसको 5 की फॉर्म में ले आऊँ, तो वो हम देखेंगे इसमें ओके, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप ये स्क्रीन को यहीं पे पॉज कीजिए और इसको आप ट्राई करिए, क्या आप उसको सही कर पा रहे हैं, उसके बाद फिर मैच कर सकते हैं आप, ठीक है ना। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और आप इसमें इसको प्रैक्टिस करिए, मतलब इसको बनाने की कोशिश करिए, क्या आप सही कर पा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले लो, ठीक है। तो मैं करता हूँ इसको सोल्यूशन। ए 972, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको मैं एक्सटेंडेड फॉर्म में ब्रेक कर दूंगा, 900 प्लस 70 प्लस 2, ठीक है। अब 900 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 900 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1000 माइनस 100, गुड, यानी कि 1000 माइनस 100 लिख दिया। 1000 को मैं क्या लिखते हैं, देखो मैं इसको लिख रहा हूँ 1000 माइनस 100, ठीक है ना, ये हो जाएगा क्या 900। 70 एज यूजुअल 50 प्लस 20, और ये तो है फिर 2 है, तो इसको मैं ऐसे 2 भी लिख देता हूँ सीधे, ठीक है। ये देखिए अब 1000 मीन्स m माइनस 100, अब माइनस हो रहा है, तो जब माइनस कब होता है, जब स्मॉलर लेफ्ट साइड में होता है, तो 100 माइनस हो रहे थे लेफ्ट साइड में आ जाएगा 1000, तो ये 900 हो गया। 50 इज L प्लस 20 इज X, X देन 2 इज 2, तो ये आपका हो जाएगा 972, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिक्स सेवन, ठीक है। सबसे पहला स्टेप इसको ब्रेक करिए, 600 प्लस 60 प्लस 7। अब 600 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 500 प्लस 100, है ना, तो 500 हमारे पास क्या है, इसको लिख सकता हूँ 500 प्लस 100, ठीक है। ये हो जाएगा 50 प्लस 10, और ये हो जाएगा 5 प्लस 2, ठीक है। अब इसको रोमन में लिख दो, ये D
प्लस हो रहा है तो छोटा जो स्मॉलर नंबर है वो राइट साइड पे आ जाएगा। डीसी 50 50 को हम लिखते हैं एल, ये एक्स ये भी ऐड हो रहा है तो राइट साइड पे आ जाएगा। फिर ये है 5, ये ऐड हो रहा है तो ये भी राइट साइड पे आ जाएगा 2। तो ये हो जाएगा डी सी एल एक्स वी आई विल बी 667। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज 281। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म 200 प्लस 80 प्लस 1। ठीक है, अब 200 को मुझे पता है क्या लिख सकता हूँ मैं, सी सी फर्स्ट रूल रिपीटेशन, उसके सम से नंबर को डिनोट कर देंगे। तो सी मतलब होता है 100, सी सी हो जाएगा 200। 80 80 इज व्हाट, 50 प्लस 30। अब यहाँ पे मैं 100 माइनस 20 नहीं कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि इसमें मैंने एक रूल लास्ट में जो आपको बताया था वो क्या था कि एज अ सब्ट्रैक्टिव आप किसका यूज कर सकते हो, 1 का यूज कर सकते हो, 10 का यूज कर सकते हो और 100 का यूज कर सकते हो, केवल केवल आप इसको ही घटा सकते हो। यहाँ पे 100 माइनस 20 नहीं कर सकता हूँ मैं, ठीक है ना, क्योंकि एज अ सब्ट्रैक्टिव मैं केवल 1 10 और 100 का ही यूज कर सकता हूँ, तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक, ओके, तो 80 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 50 प्लस 30, ये तो खैर 1 है। ठीक है, तो इसको कंबाइन कर दो, सी सी 50 हो जाएगा मेरा एल, और ये है 30 विल बी एक्स 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 और ये हो जाएगा आर। तो यहाँ पे डबल सी एल ट्रिपल एक्स आई, ये हो जाएगा आपका 281, यानी 281 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फोर सेवन टू, सबसे पहले वही इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, 400 प्लस 70 प्लस 2। 400 400 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब यहाँ पे देखिए 300 को मैंने लिखा था क्या, सी सी सी, ठीक है ना। अब 400 को मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपका जो सेकंड रूल है वो आ जाएगा कि आप किसी को भी जो भी आपका डिजिट जो भी आपका न्यूमरल है उसको रिपीट अगर आप कर सकते हैं तो केवल 3 टाइम्स, उससे ज्यादा नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग मैं 400 को ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, इसको मैं लिखूंगा 500 माइनस 100, ठीक है ना, क्योंकि 100 को मैं ऐसे सब्ट्रैक्टिव यूज कर सकता हूँ, तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 500 माइनस 100 400 हो जाता है। 70 फिर से वही 50 प्लस 20 और ये हो जाता है 2। ठीक, तो 500 माइनस, अब 500 मुझे पता है क्या है, डी, ठीक है ना, माइनस करना है तो वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा सी। ठीक है, फिर उसके बाद है 50 50 इज एल, 20 इज एक्स एक्स एंड 2, तो ये हो जाएगा 472। ओके ओके, तो मूव करते हैं 4 डिजिट नंबर्स में। ओके, तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट करते हैं, ए 7 2 8 6। ठीक है, तो सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप था हमारा क्या था, हम उसको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, तो एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख लीजिए इसको, 7000 प्लस 200 200 प्लस 80 प्लस 6। ठीक है ना, अब 7000 को मैं 7 को कैसे लिख रहा था, 7 को मैं लिख रहा था 5 प्लस 2, ठीक है ना, तो 7 को इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। और 8 को हम कैसे लिखते थे, 5 प्लस 3। ठीक है, अब 9 को लिखने के लिए मैं 5 प्लस 4 नहीं कर सकता हूँ ना, तो मैं यहाँ पे 9 को लिखता हूँ 10 माइनस 1। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए 7000, 7000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5000 प्लस 2000। ठीक है ना, 200 हमारा पता है हमें सी सी, 80 हमें पता है 50,
प्लस 30 और 6 इज वी मीन्स 5 प्लस 1। अब बात करते हैं इसको करने की, तो ये 5000, 5000 मैंने आपको कल बताया था वी और ऊपर से बार, तो ये 5000 प्लस 2000 ये हो जाएगा एम एन। अब इन सबको कंबाइन करके लिख दीजिए आप वी बार एम एम, दिस इज 7286। तो ये आपका हो जाएगा आंसर वी बार डबल एम डबल सी एल ट्रिपल एक्स वी आई। ठीक है ओके नेक्स्ट इज, तो इसको सबसे पहले एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखिए को मैं 5000 प्लस 4000 नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे 4 टाइम्स m को रिपीट करना पड़ेगा और मैं 4 टाइम्स m का रिपीट नहीं कर सकता हूँ, केवल 3 टाइम्स ही मैं इसको रिपीट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे 5000 का यूज केवल 8000 तक ही कर सकता हूँ। ठीक है आपने देखा अभी 8 को मैं क्या लिखा था, क्या लिख रहा था 5 प्लस 3। ठीक है ना, तो मैं 8000 को क्या लिखूंगा 5000 प्लस 3000। ठीक है ना, 5000 इज वी बार 3000 इज एम एन एन एन। अब मैं 4000 लिखने के लिए यहाँ पे मैं इसको 4 टाइम्स रिपीट नहीं कर सकता हूँ, मैं क्या करूँगा सीधे आपको कल मैंने बताया था 9000 अगर मुझे लिखना है तो मैं लिखूँगा 9 और ऊपर से लगा दूंगा बार का साइन, तो ये हो जाएगा 9700। 700 इज 500 प्लस 200, 500 इज डी 200 इज सी सी 10 इज एन। तो ये आपका हो जाएगा 9710। ठीक है ओके नेक्स्ट, तो सबसे पहला स्टेप सबसे बेसिक क्या है, एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख देना ठीक है। अब इसको 4000 को मैं क्या लिख सकता हूं, वही 5000 माइनस 1000 ऐसे लिख सकते हैं, नहीं हम सीधे इसको लिखेंगे 4000 5 माइनस 1 नहीं कुछ नहीं ठीक है ना 4000। ठीक है 900 900 इज 1000 माइनस 100 ओके देन 80 80 इज 50 प्लस 30 प्लस 2 ये आ जाएगा आपका आई बी बार मीन्स 4982। ठीक नेक्स्ट, सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड फोर्टी एट। तो बेसिक जो सबसे पहला स्टेप है आपका एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख देना इसको, अब उसके बाद इसको देखिए अब क्या लिख सकते हैं 6000 मींस 5000 प्लस 1000 ठीक है 600 मींस 500 प्लस 100 40 मींस 50 माइनस 10 और फिर उसके बाद 8 इज वी आई आई आई। एक बार आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे फिर उसके बाद आपको ऐसा ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, ब्रेक करके लिखो 8 को 5 3
थ्री लिखो, 5+3 लिखो। हाँ, स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको जरूर ऐसा लिखना चाहिए, क्योंकि आपको ना वो रूल्स क्लियर होते जाएगा। जैसे मैं 8 को लिख रहा हूँ, 5+3। अब 5+3 मतलब प्लस ऑपरेशन आ रहा है, तो हमारे उस रूल के अकॉर्डिंग प्लस कब आता था, जब हमारा जब स्मॉलर वैल्यू राइट साइड पे और ग्रेटर वैल्यू लेफ्ट साइड पे होती थी, ठीक है ना, तो वहाँ पे प्लस। तो ये आपको क्लियर होगा, ठीक है ना। पहले पहले आप इसको इस तरीके से लिखिए, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि आपको जो विजुलाइज होगा और विजुलाइज होते होते आपकी जो ये रूल्स हैं वो भी आपके क्लियर होते रहेंगे, रिवाइज होते रहेंगे, ठीक है ना। कहाँ पे प्लस हो रहा है, कहाँ पे माइनस हो रहा है, कहाँ पे क्या होना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखिए 4 डिजिट्स के नंबर, अब आते हैं 5 डिजिट्स के नंबर पे। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10,000। अब 10,000 मीन्स 87,000 आ गया यहाँ पे, ठीक है ना, 87,000। फिर ये है कितना, 654। देखिए 87,654। अब इसको ना आपको कुछ नहीं करना है, इसको सबसे पहले आपको ब्रेक कर देना है इसके एक्सटेंडेड फॉर्म में, यानी कि 80,000 लिखें प्लस 7,000 प्लस 600 प्लस 50 प्लस 4, बस आपका काम हो गया। अब यह है 80,000, ठीक है ना। अब क्या आपको 80 लिखना आता है, 50 प्लस 30 बार इज 80,000, 7,000। अब 7,000 को मैं लिखता हूँ 5,000 प्लस 2,000, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 का भी यहाँ पे 12 आ जाएगा, 5,000 प्लस 2,000 एम, ठीक है। फिर उसके बाद 600, 600 हमें पता है क्या है, 500 प्लस 100, 600, 50 हमें पता है एल, 4 हमें पता है आई वी, तो ये आपका हो जाएगा 87654 का रोमन न्यूमरल। देखिए इतने बड़े आपके आने वाले हैं नहीं, लेकिन बस अगर आप अपना कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हो, आप उसमें देखना चाहते कि हाँ भाई मुझे फुल कॉन्फिडेंस है, मुझे कोई सा भी नंबर दे दो, ठीक है, तो आप कर सकते हो इसको, ठीक है ना। लास्ट जो आज का नंबर मैं इसको कर रहा हूँ, दिस विल बी 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है ना। तो इसको भी वही 40,000 पहले मैं लिख देता हूँ, प्लस 5,000 प्लस 600 प्लस 17 प्लस 8, ठीक है। बस सबसे पहला स्टेप आपको सब जगह कॉमन रखना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू कन्वर्ट दी स्टैंडर्ड फॉर्म इन टू एक्सटेंडेड फॉर्म, ठीक है ना। अब एक्सटेंडेड फॉर्म ये आ गया हमारा 40,000 है, 40,000, तो 40 को पहले आप 40 लिखे, ऊपर से बार लगा देंगे वो जाएगा 40,000, तो 40 लिखता हूँ मैं पहले, 40 इज 50 50 माइनस 10, ये हो जाएगा 40,000, ठीक है। 5,000 प्लस 600, 600 इज 500 प्लस 100, 600, 70 सॉरी 50 प्लस 20 एंड 8, ये हो जाएगा आपका 45,678। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कितना इजी है ये, ठीक है ना, टॉपिक, ठीक। एक बार आप बस केवल रूल समझ जाइए, बेसिक समझ जाइए इसका, ठीक है, बाकी फिर आप कोई सा भी नंबर आपको लिखने को दिया जाए तो आप इजीली उसको लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आपको इससे हेल्प मिली होगी, आपको इससे प्रैक्टिस हुई होगी, ठीक है। जितने भी मैंने नंबर्स यहाँ पे लिखे, तो पहले मैं ये आपसे बोलना चाहूँगा कि पहले आप उसको पॉज करिए, खुद ट्राई करिए, खुद आप क्या कर पा रहे हैं उसको या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन देखिए यहाँ पे, तो वो ज़्यादा आपको वर्क करेगा, ठीक है ना। तो बाकी आपकी अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करिए,
चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।